दोस्तों, अगर आप विंडोज 7 या विंडोज 10 चलाते हैं और आप अपने कंप्यूटर में विंडोज 11 की थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके वॉलपेपर इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका पीसी विंडोज 11 का लुक दे, तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम विंडोज 11 की थीम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम गूगल पर आ जाते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं विंडोज 11 थीम डाउनलोड। दोस्तों, जैसे ही हम विंडोज़ 11 की थीम डाउनलोड पर जाते हैं, हमें फर्स्ट पर वेबसाइट खुलती है माइक्रोसॉफ्ट। हमें इस माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से ही थीम डाउनलोड करनी है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ डेस्कटॉप थीम दिखा रहा है विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 और विंडोज़ 7। तो दोस्तों, विंडोज़ 7 की अपडेट्स आने बंद हो गए, इसलिए थीम मिलेगी नहीं। हम विंडोज़ 11 के नीचे जाते हैं। यहाँ हमें कितनी सारी थीम दी हुई हैं, इसमें हम अपने अनुसार जो थीम हमें सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको एक डाउनलोड करके बताता हूँ। जब मैं थीम पे क्लिक किया और दोस्तों ये मेरी थीम डाउनलोड होना शुरू हो गई। दोस्तों, जैसे ही हमारी थीम डाउनलोड शुरू हो जाती है, हम इस पर डबल क्लिक कर ओपन करते हैं। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक किया, ये देखिए दोस्तों, मेरी ये थीम इंस्टॉल हो गई। अब हम इसके वॉलपेपर पर जाते हैं, सब कैंसिल कर देते हैं, मिनिमाइज करते हैं सब कुछ। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक थीम के अंदर 10 इमेजेस हैं। हम 10 इमेजेस आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा पीसी का लुक विंडोज़ 11 जैसा हो गया। चलिए, मैं इसी तरीके से आपको दूसरी थीम डाउनलोड करना बताता हूँ। हम वापस से अपने गूगल पर जाते हैं और वापस से लिखते हैं विंडोज़ 11 थीम डाउनलोड और फिर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाते हैं। और यहाँ हम फिर से कोई अलग थीम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं कोई एनिमल थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैंने इस पर क्लिक किया और ये हमारी थीम डाउनलोड होना शुरू हो गई। इसे हम डबल क्लिक कर ओपन कर लेते हैं। ये हमारी थीम इंस्टॉल होना शुरू हो गई। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी थीम इंस्टॉल हो गई। दोस्तों, हर थीम में 10 से 15 इमेजेस होती हैं। इस तरीके से आप विंडोज 11 की थीम को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं।